ओह शिट। सो गाइस पानी काफी ऊपर तक आ रहा था, ये चेक कर ही सकते हो आप लोग, तो हम इसमें से ही जाएंगे। तो अभी थोड़ा बताते बाइक को। ओह शिट यार, शूज में पानी जा रहा है। सो गाइस ये रोड थोड़ा रिपेयर कर दिया, यहाँ पे थोड़ा मेरे को इजीली निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ पे बाइक स्लिप हुई तो फिर सीधा नीचे जाऊंगा। तो ये चेक करो गाइस पानी कहाँ तक आ रहा है। तो गाइस एजेंसी वाले लेट कर रहे हैं बाइक लाने में, मैं तो रेडी हूँ, जिस दिन आएगी उसी दिन डिलीवरी लेके आ जाऊंगा। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ये लगी अपनी 390 एंड गाइस आज की वीडियो की शुरुआत भी ऑफ रोड से कर रहा हूँ। आज मेरा प्लान है कि मैं ऑफ रोड वगैरह करके आऊँ थोड़ा बाइक में। बाइक की हालत आप लोग देख सकते हो, अभी तक मैंने बाइक को वॉश नहीं करा है, सोच रहा हूँ कि ऑफ रोड वगैरह करके आता हूँ, देन उसके बाद ही बाइक को वॉश करेंगे। और आप लोग यार वेदर चेक कर ही सकते हो, सारा यार आज बारिश वाला मौसम था, तो फिर उस चक्कर में फिर मैं दिन में व्लॉग कर नहीं पाया, शाम के टाइम निकला हूँ मैं व्लॉग करने। चलते ऊपर एंड आपको सीधा सेटअप पे मिलता हूँ। अभी एक सीन हो गया अपने साथ, तो मैंने यार नीचे से वीडियो स्टार्ट की थी बट यहाँ पे मैंने कैमरा चेक किया तो फुटेज सारी ख़राब होगी, पता नहीं क्या सीन हो गया, फुटेज ओपन ही नहीं हो रही है, तो यहाँ से मेरे को दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी वीडियो। ये तो शुक्र है मैंने कैमरा चेक कर लिया, तो अब अगेन मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अभी चलते हैं भाई ऑफ रोड में, तो वीडियो तब नहीं यार थोड़ी ख़राब होगी बट कोई सीन नहीं है, वीडियो बनाने निकला हूँ मैं तो वीडियो बना के जाऊँगा अभी। एंड बाइक अपनी चेक कर ही सकते हो, सारा कुछ पहले बता चुका था मैं, बट अभी क्या कर सकते हैं, बाकी हालत देख ही सकते हो नॉर्मली, जो पहले बताया था थोड़ा बहुत ऐसे बता देता हूँ। तो बाइक वगैरह अपनी देखो कितनी डर्टी हो रखी है। तो गाइस बारिश का टाइम है तो अभी मैंने बाइक को वॉश नहीं करा है, थोड़ी सी जो क्लिप बनाई थी मैंने ऑन रोड वो तो ख़राब होगी, तो अभी देखते हैं आगे चल के। ये वाली बना रहा हूँ तो ये वाली भी चेक करनी पड़ेगी एक बार, गोप्रो यार थोड़ी सी दिक्कत कर देता है कई बार तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, बट चलो कोई बात नहीं, अभी निकलते हैं यहाँ से, देन आगे चल के फिर से एक बार कैमरा चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो शुक्र है मैंने वीडियो चेक कर लिया है। सो अभी चलते हैं धीरे धीरे, मेरी बाइक में पीछे मडगार्ड बनी है आप लोगों को पता ही है, तो फिर धीरे चलना पड़ेगा। पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने मेरे बैग की कंडीशन देखी थी, पूरा बैग पीछे से गंदा हो चुका था, तो आज तो मैंने बैग में नहीं डाला यार, तो मेरे को थोड़ा ईजिली जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम बाइक में ऑफ रोड वाला टायर डालूँ, बिकॉज यार आपने देखो एरिया सारा हिली एरिया है, ऊपर से ऑफ रोड वगैरह करना पसंद है, तो उस चक्कर में सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम टायर ऑफ रोड वाले डालूँ। ओह शिट। सो गाइस पानी काफी ऊपर तक आ रहा था, ये चेक कर ही सकते हो आप लोग, तो हम इसमें से जाएंगे। सो मेरी सारी फुटेज खराब होगी यार, बट चलो कोई बात नहीं यार, इतनी टेंशन लेता नहीं हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाने निकला था तो वीडियो बना के ही जाऊँगा मैं। धीरे धीरे चलेंगे ऑफ रोड में, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। एंड अभी बाइक की हालत देख ही सकते हो, सारी मिट्टी मिट्टी, मैंने थोड़ी नंबर वेट ऐसे कर दी है, थोड़ी बहुत मेरी जैकेट बच जाए पीछे से। सो अभी थोड़ा बताते बाइक को। ओह शिट यार, शूज़ में पानी जा रहा है। अभी हम लोग आज इस वाले रोड पे नहीं जाने वाले हैं, इस वाले जाएंगे सीधे ऊपर। सो गाइस ये रोड थोड़ा रिपेयर कर दिया, बहुत ज्यादा पावर है यार बाइक में। काफी अच्छा जंप लिया अभी, भाई फुली स्लिपरी रोड। आज मैं फ्री था सुबह से, सोच रहा था कि निकलूं मैं वीडियो बनाने, बट बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। सो यहाँ पे है प्यारा सा मंदिर,
एंड पॉइंट तक तो मैं पहुंचा ही दूंगा बाइक को। सारा कुछ अच्छे तरीके से शूट हो रहा है, बस ये है कि गोप्रो की जो फुटेज है वो अब खराब नहीं होनी चाहिए। ये वाला रोड काफी खतरनाक है यार, जब स्नोफॉल होती है तो गाड़ियां मतलब थार होगी, जिप्सी होगी, यहाँ पे काफी ज्यादा फंसती है। आजकल मेरी बाइक की साउंड काफी लाउड हो गई है, पता नहीं क्या चक्कर है। काफी मजा आता है यार इसको चलाने का। सेकंड गियर में थ्रॉटल देता हूँ तो एक अलग सी साउंड निकलती है, मतलब भारी भारी साउंड। पूरी बाइक चेक हो रही है यार, यहाँ पे पावर काफी ज्यादा बाइक में। मेरी बाइक में अगर ऑफ रोड टायर होते तो मैं यहाँ से बाइक को उड़ाते ले जाता। सो फाइनली गाइस अभी हम एंड पॉइंट तक आ चुके हैं रोड के। सो यहाँ पे मंदिर है। सो अभी आगे तो कुछ नहीं है, बस यहीं तक का रोड। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है त्रिउंड के लिए। अभी नीचे चलते हैं। ये देखो यार मिट्टी कहाँ तक आ रही है, मेरी जैकेट भी खराब हुई होगी पीछे से। सो गाइस अभी घुमाते हैं बाइक को, देन निकलते हैं यहाँ से। अभी हम बाइक को कर देंगे बंद, अभी न्यूट्रल जाएंगे धीरे धीरे। तो गाइस मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बोला हुआ था कि अपनी न्यू बाइक आ रही है RC 200 मोटो जीपी एडिशन। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या हुआ बाइक का, क्यों नहीं आ रही है। एजेंसी वाले बोल रहे थे कि 15 दिन लगेंगे, देन 15 दिन बाद भी फोन किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा बाइक आने में, बट गारंटी देता हूँ भाई बाइक जरूर आएगी। बाइक मतलब ऐसे नहीं होगा कि बाइक कैंसिल कर दी मैंने। अभी यहाँ पे जाके देखते हैं, अगर अपनी बाइक जा पाती तो फोटो वगैरह लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। A few moments later. Finally guys, अभी यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत फोटोज क्लिक कर लिए हैं। नीचे दुकान है वो भी बंद है, एंड आज ये फूड वैन भी बंद है। अभी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे बिकॉज ये रोड काफी रिस्की है। अपनी RC 200 जल्दी आने वाली है। सो अभी बस एजेंसी वाला लेट कर रहे हैं, मैं तो रेडी हूँ बाइक लेने के लिए। पहले मैं ज्यादा इंस्टा पे एक्टिव रहता था, बट अभी के टाइम पे मैं थोड़ा यूट्यूब पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। पहले यार ये रोड काफी खराब था, बट अभी देखो यार रेत वगैरह डाल के थोड़ा ठीक कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को इजीली निकलना पड़ेगा बिकॉज ये यहाँ पे बाइक स्लिप हुई तो फिर सीधा नीचे जाऊँगा। देखो नीचे सारी खाई है। अब तो काफी अच्छा हो गया यार पहले से ये रोड। पहले यहाँ पे काफी बड़े बड़े पत्थर होते थे, अभी तो यार थोड़ा इन्होंने ठीक कर दिया रोड। बट ये वाला रोड भी थोड़ा रिस्की है क्योंकि यार इस वाले रोड पे ब्रेकिंग होती नहीं है जरा भी। जोर से ब्रेक मारोगे ना बाइक स्किट होते जाएगी, साइड में स्पोर्ट भी नहीं है, सीधा नीचे जाओगे फिर। बाइक का ABS ऑन है और मेरे को पता ही नहीं था। मेरी बाइक का कोई और चलाएगा तो वो ABS ऑन करके चलाता है, तो ये मेरे को नहीं पता था ABS ऑन है इसका, तो ये मैं सोचू यार टायर स्लिप क्यों नहीं हो रहा इसका। तो गाइस अभी पानी में मैंने लगा दी बाइक, तो थोड़ा थंबनेल के लिए फोटो ले लेते हैं। पानी में काफी अच्छी वीडियो बननी थी यार मेरी, बट अभी क्या कर सकते हैं, अकेले आया हूं मैं। A few moments later. Finally guys, अभी निकालते हैं बाइक को फिर से यहाँ से। बार बार पानी में लगा दे रहा हूँ यार। चलो निकलते हैं अभी। तो ये चेक करो गाइज पानी कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पीछे खतरनाक वाला पानी उड़ा दिया था मैंने। तो ऑफ रोड होना चाहिए तो प्रॉपर भाई, ऐसे पत्थर वाला होना चाहिए तो मजा आता है ऑफ रोडिंग करने का।
फ्यूचर में मैं एक ऑफ रोड बाइक पक्का रखूंगा। एक तो हाथ की बैंड बच चुकी है इस टाइम, रात के 9 बजे तक वीडियो आ ही जाती है अपनी। कोशिश करता हूँ 6 बजे अपलोड कर दूँ, बट कई बार यार वाईफाई नहीं चलता है, फिर एडिटिंग करते हुए इतना टाइम लग जाता है, फ़ोन के स्टोरेज में दिक्कत आ जाती कई बार। आज मेरा रिएक्शन लेने का मूड नहीं है, बिकॉज अभी अपना कंटेंट ऑफ रोड में बन चुका है। जब भी मैं मैक्लो मार्केट आता हूँ रिएक्शन तो मिल ही जाते हैं मेरे को ख़तरनाक वाले। फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ इस प्यारी सी लोकेशन पे, तो टैंक ओपन करके देख लेते हैं कितना पेट्रोल बचा है अपनी बाइक में। सो गाइस टैंक तो फुल ही है बाइक का, फिर क्यों एक कम बता रहा है यार ये। फाइनली गाइज अभी बाइक यहाँ पे लगा दी मैंने, आप लोग बाइक की कंडीशन चेक करो, फुल्ली मिट्टी मिट्टी। सो चलो कोई बात नहीं, इसको तो मैं कर लूँगा वॉश। अगर मैं किसी को साथ में लेके गया होता तो बैक साइड से उसकी तो काफ़ी ख़राब हालत होनी थी, जैसे अभी सीट की हुई है। बाकी अपनी RC 200 भी जल्दी आ रही है, गाइज एजेंसी वाला लेट कर रहे हैं बाइक लाने में, मैं तो रेडी हूँ, जिस दिन आएगी उसी दिन डिलीवरी लेके आ जाऊँगा। बस यही था आज की वीडियो में, तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अब आप लोग को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय फुल सपोर्ट।